कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी मीडिया बंधुओं का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरे साथ आए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी और उनके साथ बैठे हुए पीसीसी के हमारे मेंबर ठाकुरदास जी और चंद्रमोहन जी, और मेरे साथ बैठे हुए हंस राज पादा जी और रंजनीश बसोत्रा जो कि ओबीसी के प्रेसिडेंट हैं, दर्शन जी, गुरुदेव जी और दयाराम जी, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, हमारा प्रोग्राम जो है वो 26 को होने जा रहा है, सैटरडे को, शनिवार है उस दिन। जो जलसा है हमने मेला ग्राउंड बनी में रखा है, जिसका उद्देश्य है कि हम बनी के, जो बनी को हमेशा इग्नोर किया जाता है और बनी में जिस तरह की स्थिति जो आज पैदा हो गई है उसके बारे में हम बात करेंगे, और जिसमें हमारे कांग्रेस के सभी लीडर जो नव नियुक्त जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बनाया गया है, जिनको पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने, वकार सुलवानी जी वो बनी में आ रहे हैं, और रमन भल्ला जी जो इस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट है, और उनके साथ जितने भी बड़े लीडरान हैं कांग्रेस पार्टी के वो सभी आ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कमेटी है वो सभी आएंगे, और जितने भी बनीवासी हैं मैं सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी उस दिन इस जलसे में आएं, यहाँ पर अपना जो सहयोग है वो इस जलसे के लिए दिखाएं, ताकि हमारे बनीवासियों के साथ जो भी भेदभाव आज तक होते आए हैं उसके लिए हम आवाज़ उठा सकें। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा बनी की तरक्की के लिए बात की है और आगे भी करती रहेगी। जो भी, जिस तरह की आजकल एसटी स्टेटस के लिए डिमांड बनी में जोरों शोरों से हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेगी। और आजकल आप देख रहे हो जिस तरह से 370 हटने के बाद हमारा जो स्टेटस, जो स्टेट का दर्जा था वो हमसे छीन लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारे जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है। आज हजारों लाखों रोजगार जो युवा है वो बेरोजगार घर पर बैठे हैं, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। और महंगाई तो आप सभी को पता ही है किस तरह से चरम सीमा पर है, यही मेन उद्देश्य जो है इस जलसे का रहेगा। और अभी हाल ही में जो आग की घटना यहाँ पर हुई, जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई थी, उसका भी हमें बहुत खेद है, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि पार्टी भी उसके लिए बात करें और जो भी मदद हो सके वो की जाए, और सभी लोग भी उसके लिए मदद करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा उस मांगा ला के पिछड़ी हुई जातियों के लिए काम करती रही है, और ये दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद कांग्रेस ने बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, बनी के 33 गाँव को टोटली इग्नोर कर दिया। यहाँ पे किसी तरह का कोई तरक्की या तरक्की तामीर का कोई काम या जो चल रहे थे सड़कों का काम, वो भी इतने स्लो डाउन कर दिए गए कि वो एक घूंघे की चाल से चल रहे हैं, कई दिनों से चल रहे, कोई किसी बात को पूछता नहीं है। अफसरशाही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तब्दीली करके यहाँ के पटवारियों को बदल कर दूसरी जगह पर भेज दिया गया, और यहाँ के आम आदमी को इतनी मुश्किल होगी तहसील में जाने के लिए कि पटवारी ही अपनी ही स्वामी को नहीं पहचानता है कि ये कौन है, और ये मसाइल कहाँ हल करेंगे हमारे। इसके अलावा ये हम हाल ही में बनी बाज़ार में दुकानों को आग लगती है, हम कहेंगे कि कोई वजह नहीं कि किस तरीके से आग लगी, लेकिन जल जाती हैं दुकानें, और ये हमारी सरकार डीसी साहब आते हैं और 10-10 हज़ार रुपये उनको पकड़ा देते हैं, यहाँ के करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए, ताकि वो फिर से अपने रोजगार को रेज कर सकें, फिर से अपने दुकान को चला सकें, नहीं तो वो भी बेरोजगारी की तरफ धकेल दिए गए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर, तहसीलदार और SDM साहब बनी में मौजूद हैं, और कंपनसेशन बनाने के लिए उनको वक्त चाहिए, ये तो एक लेम एक्सक्यूज है ना। पावरफुल ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये पटवारी या गरदौर थोड़ा है या नायब तहसीलदार थोड़ा है, ये नहीं कर सकता, कंपिटेंट ऑफिसर है ये। ये एक दिन में 24 घंटे में कंपनसेशन बना सकते थे और ऑनलाइन आगे भेज सकते थे। इसके अलावा बाकी क्या, कांग्रेस पार्टी जो है वो स्टैंड करती है किसके लिए, पिछड़े इलाकों के लिए, गरीबों के लिए, छोटे किसानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ आज तक बनी में है, जो धरती पर जो निशान है वो कांग्रेस का दिया हुआ है, ये बीजेपी वाले बताएं ना, हमने 2014 के बाद बनी को क्या दिया,
वो तो कहते हैं हमने सड़कों के जाल बिछा दिए, कहाँ बिठा दिए। 2007 में ये प्लान बनता है, 2011 में इसकी DPR बनती है, 2014 में हमें ये पैसा मिलना था जो 2016 में मिला, क्योंकि वहाँ पे पलटा लगा, सरकार को पलटा लगने के बाद ये पैसा 2016 में आया। 2016 में 169 करोड़ रुपया आया और हमारे मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट जी बनी में कहते हैं कि हमें 142 करोड़ रुपया मिला है, 27 करोड़ रुपये यहीं पे बोर्ड काट देते हैं। तो वही PMGSY गरीबों की तबाही, और यही PMG बस। अच्छा उसके आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे जब ये सड़कें चलती हैं कि ढग्गर तक रोड जाती है, सभी पूरी सड़क पे क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं उन मुलाजमों उन जमींदारों को जिनकी थोड़ी जमीन कटती है, लेकिन 6 किलोमीटर से ढग्गर पुल से लेकर सुरजन तक 6 किलोमीटर पर किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। ये अंधेर गर्दी नहीं, ये दो अमली नहीं, क्लाइव की तो और क्या है। ये क्लाइव कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर है जिसने हिंदुस्तान में दो अमली का कानून शुरू किया था, और यही BJP कर रही है, दो अमली का काम शुरू कर रही है, अपने लोगों के साथ कुछ और बाकियों के साथ कुछ और। नहीं जो बदब बताओ कि 6 किलोमीटर पे जिस जमींदार की छोटे किसान की जिसकी जमीन काटी गई उसको कंपनसेशन क्यों नहीं दिया इन्होंने, सिटी लोड पे कंपनसेशन क्यों नहीं दिया इन्होंने। जेएनके स्टेट ऐसी है कि जिसमें PMGSY और ये जो क्यों नहीं दिया जा रहा आज है? आज तक ये जो कांग्रेस ये इसकी BJP की जो सरकार रही है इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, समाज में बांटने की कोशिश की है, जो एक आज तक सदियों से आज से नहीं सदियों से हजारों साल से कांग्रेस एक है एक थी एक रहेगी, ये इनका झूठा प्रोपेगेंडा है। और जो आदमी डेमोक्रेटिक स्टेट है हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट है, जिसको अच्छा लगता है वो कांग्रेस के साथ चले, जिसको नहीं लगता है छोड़ दे चले जाए, इसमें हमें क्या एतराज है। लेकिन फिर भी कांग्रेस याद रखिए कांग्रेस चुनाव में हारी है, कांग्रेस डूबी नहीं है, कांग्रेस आज भी आवाम के दिलों दिमाग पर और वक्त आने पे बता दे कि कांग्रेस के क्या कांग्रेस कर सकती है या नहीं कर सकती, जिस तरह से BJP को जवाब देंगे हम, जिस तरह से डाउनफॉल दिखाया जा रहा है भाजपा की तरफ से क्योंकि अथॉरिटेरियन रिजीम है, क्या इसको इतना डर है कांग्रेस का कि यही हमें टक्कर देने वाली है, रीजनल पार्टीज को ये बांधते नहीं है कुछ भी। ये बात सच है, अगर BJP डरती है तो वो कांग्रेस को से डरती है, तभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा लगाया कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो दूसरी पार्टियों के नाम क्यों नहीं, कांग्रेस से डरते हैं ना। आप हिमाचल में दिखाई देगा, अब हिमाचल में दिखाई देगा BJP को क्या हार टकर या नहीं है, हिमाचल में दिखाई देगा, गुजरात में दिखाई देगा, इलेक्शन आने दो, दिखाई देगा BJP को क्या हार टक्कर में कोई या नहीं है। स्टेट के चीफ बनी में आए और वो बनी की इस दुर्दशा को देखें और कांग्रेस पार्टी जो है वो बनी की तरक्की तामीर के लिए आवाज़ उठाए और इस दोमली के खिलाफ जो इस वक्त इन्होंने चला रखी है अंधेरगर्दी, इसके खिलाफ हम हल तलाश करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, मिलकर बैठकर देखेंगे इस बात को हम। पंकज सर, जिस तरह BJP का दावा है कि इस बार 50 पर ठोक बजा के सीना ठोक के बोल रहे हैं, क्या उनका जो लोगों का रुझान वही हम देख रहे हैं, हर जगह सड़कों पे है, औरतें सड़कों पे है, डेमोंस्ट्रेशन है, कहीं भी जो है हम नहीं देख रहे हैं कि अनरेस्ट ना हो, क्या भाजपा का भरोसा जो है EVM पे ज्यादा है, इतना उनको कॉन्फिडेंस कैसे है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस बीच में। पहली तो बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 50+ का कोई कॉन्फिडेंस हो, जो पिछले 2 साल से वो जोर शोर से उठा रहे हैं, तो अभी तक इस रियासत में या इस UT में चुनाव हो चुका होता, उनको पता है कि LG की हुकूमत में पिछले 2 साल से यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी लोगों के साथ, इलाकों के साथ, बेरोजगारों के साथ और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा है, उसे देखते हुए उनके खुद के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब मीडिया में ये बात फैलाने के लिए कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, वो आप लोगों को घुमाने के चक्कर में वो रहते हैं, क्योंकि इस समय जो मीडिया जो हिंदुस्तान का है, खासकर जो बड़ा मीडिया आप देखेंगे, आए दिन में देखिए वो सारा मीडिया एक तरफ चल रहा है, लेकिन आम आवाम जो है वो जो पिस रहा है वो तो इस समय इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव की घोषणा हो, कब हमें मैंडेट डालने का अपना हक मिले और कैसे हम, जैसे आप हिमाचल की आपको एग्जांपल दे रहे हैं, किस तरह हम इनको हम नेस्तनाबूद करें और इस स्टेटहुड को हासिल करने के लिए जो हमारा सर काटा गया, पहले लद्दाख को अलग किया गया और उसके बाद जो विलय यहाँ पे किया गया था महाराजा हरि सिंह साहब ने, जो विशेष रियायतें विशेष सुविधाएं इस जम्मू कश्मीर के लोगों को दी थी, हमारा जो इन्होंने छीना है हक हकूक, हमारे जो छीने हैं उसको वापस लेने के लिए हम सब संघर्षरत हैं, हमें अपनी स्टेट उन्हीं मायनों में वापस चाहिए, अपने हक वापस चाहिए, ताकि हमारे
जो ज़मीनें हैं वो हमारी लोगों की रहें, हमारी नौकरियां हमारी रहें और हमें तमाम वो सहूलतें जो विलय के समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई हैं, हम उन सब के लिए खड़े हैं, कांग्रेस उन सब के लिए खड़ी है। देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस के एक ज़माने में बड़े नेता रहे और मैं कहूँ कहीं ना कहीं पे पार्लियामेंट में विशेषकर जब राज्यसभा का वहाँ पे सत्र चल रहा था और जिस समय ये 370 को निरस्त किया जा रहा है उनका रोल भी जो है वो किसी ना किसी तरह से वो हम हाशिए पे रखते हैं उसको। वो चाहते तो उस समय बवाल वहाँ पे कर सकते थे, सिर्फ पार्लियामेंट में रोने धोने से दो आंसू वहाँ से आए, दो आंसू मैंने वहाँ से बहा दिए, उससे काम नहीं चलेगा। उनका एजेंडा एक्सपोज हो चुका है, वो किस तरह कांग्रेस को किस हालात में छोड़ के गए। जब मलाई थी तो मलाई और मक्खन वो खाते रहे और जब संघर्ष का जमाना आया, जब भारत जोड़ों के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले हुए हैं और जिस तरह से उनको जनमानस का समर्थन मिल रहा है, और मैं कहूँगा कि उस समय उनको ये लगा कि इस उम्र के इस पड़ाव में अब मैं कहाँ संघर्ष करूँगा, मोदी साहब से हाथ मिला लेते हैं अंदर खाते में और कभी ना कभी यहाँ पे मौका मुझे मिल जाएगा, उस सब के चक्कर में वो वहाँ पे गए हैं। और आज़ाद साहब की अपनी कोई थ्योरी रही होगी, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि जो रियायतें सहूलतें हमारे यहाँ पे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है 370 के नाम पे उनको कोई एलर्जी है तो हमें 371 दे दे, हमें अपनी रियायतें चाहिए, उसका कोई और नाम रख रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम से। वो शहरों के नाम के चेंज कर रहे हैं, मोहल्लों के नाम चेंज कर रहे हैं, 370 का नाम भी 371 कर दें, लेकिन मेरे हक हकूक जो विलय के समय हिंदुस्तान में जब मैंने ज्वाइनिंग की है जो मुझे हक दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मुझे क्यों रोड कर रहे हैं? वोटर्स बैकडोर एंट्री कैसे देखते कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस उनके मनसूबों को सफल नहीं होने देगी। हम अपने यहाँ टोपोग्राफी, हमारा कल्चर इरोड हो रहा है, हमारी लैंग्वेज इरोड हो रही है, हमारे यहाँ से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, रंग बिरंगे कानून यहाँ पे आ रहे हैं, हम क्यों लगने देंगे? अगर हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो घरों में बैठ के सुन रहे हैं, अगर हम सब ये चीज़ें यहाँ होने देंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन हमें बिल्कुल माफ नहीं करेंगी। कि हमारे वोटर्स की बैकडोर एंट्री है, हमारे सीनियर्स ने जो हमें हक हकूक दिलाए थे और हम लोगों ने उनको लुटाए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे यहाँ का नुमाइंदा हो चाहे बगल का नुमाइंदा हो, उनके तहत ही ये सारी जो सहूलतें यहाँ से गई हैं, उन लोगों को वोट मांगने का हक भी नहीं है, वो कैसे वाम के पास जाएंगे? जिस दिन वो वाम के पास जाएंगे, ये BDC DDC किस तरह से उन्होंने बनाया, कैसे ब्यूरोक्रेसी ने उनका साथ दिया, किस तरह से यहाँ सारा गाला गपला यहाँ पे होता है धार्मिक उन्माद के चलते हुए। और सब लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो मिनोरिटी में हो मेजॉरिटी में हो, कि एजेंडा क्या है। 12 एक ही एजेंडा हो चाहिए कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को बांटने में लगी हुई है उसको कैसे बका सकते हैं, हमारा ये एजेंडा होना चाहिए। देखिए ये पहाड़ी स्टेटस की बात है, अगर बाकी पीर पंचाल में आप पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को पहाड़ी स्टेटस देते हैं तो हमारे यहाँ तो सब सारे पहाड़ी के बोलने आते हैं। देव तो पहाड़ी बोली बड़ी को बधिया पहाड़ी गुण बोलता, वो भी नहीं बोलते हैं उनके कहने भी मिक्सिंग में, कोई मुजफ्फराबादी बोलता कोई दूसरी बोलता, साढ़े इतने प्योर पहाड़ी अस लोग सबू मिलना चाहिए। मुजफ्फराबादी कौन बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, पहाड़ी जो लैंग्वेज है हमारी यहाँ पहाड़ी स्पीकिंग एरिया में पहाड़ी। लेकिन सर यहाँ तो एक विवाद छिड़ा हुआ कि कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% वहाँ कट रहा है, कहीं RBI कट रहा है, कभी ST कट रहा है, ये तो सर विवाद हो रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। ST जो है वो गुज्जर बकरवाल है बेचारे, वो प्रोटेस्ट करते हैं ST बचाओ, ये क्या चल रहा है सब? सर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड ये है कि हमें आपको मिले बनी का, हम बनी में बैठे हुए हैं तो बनी में पहाड़ी लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग में अगर कोई चीज बांट रहे हैं वो, तो हम हमें क्यों पीछे रहे, हमें भी मिलना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो चुनाव में हाल कर देंगे, हमारे पास तो एक ही हथियार है ना कि हम बटन दबाने के समय उस समय कंजूसी नहीं करेंगे। अगरदास जी और काजल रायपुर जो हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं और बाकी लोग हमारे सभी यहाँ दर्शन जी, हंसराय पादा जी और सभी लोग बैठे हुए हैं, हमने सब वो रखा हुआ है कि इन सब के साथ बात करके ही बना कि यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके बाद महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार यहाँ पर मुद्दा है और इलाकाई नाइंसाफी यहाँ पे जो हो रही है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है, उस पर हम संघर्षरत रहेंगे। और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट बकार सुलवानी जी और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बाला जी और सीनियर साथी हमारे प्रदेश के यहाँ पे आ रहे हैं और उनको इलाके के हालात को भी बारे में बताएंगे, लोगों से मिलेंगे भी जानकारी भी लेंगे और फिर बड़े प्लेटफॉर्म पर चाहे वो जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो या ऑल इंडिया स्तर पर हो, वहाँ पर हम सब करेंगे। और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा भी हमारी यहाँ पर आ रही है, राहुल गांधी जी जनवरी के अंतिम उसमें वीक में हमें लगता है कि वो लखनपुर में पहुंचेंगे और हम यहाँ से अपना पूरा पहाड़ी क्षेत्र से भी हम उनके सम्मुख वहाँ पे जाएंगे। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में हर लोग अपने कल्चर के साथ, अपनी हेरिटेज के साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं और हम वो भी एक यहाँ से संघर्ष में
जो 3,000 या 4,000 किलोमीटर की वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, हमारे लोगों को भी लगे हमारे मुद्दों के लिए वो लड़ रहे हैं, तो हम उनके सहयोग के लिए, उनके वेलकम के लिए हम सब लोग वहाँ के लिए आह्वान करेंगे, यहाँ से भी कूच करेंगे, ताकि और उनको भी हम अपनी बनी की जितने भी यहाँ मुद्दे होंगे, जो चार्टर ऑफ डिमांड होगा हमारे सीनियर साथियों का, ये हम सब वहाँ पे लाएंगे और उस पर बात। डोगरा साहब, जैसे 26 को ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, स्टेट लेवल प्रोग्राम कहेंगे आप, तो बनीवासियों के लिए क्या मैसेज देंगे आप इस प्रोग्राम को लेकर? बनीवासियों के लिए ये मैसेज है कि इस समय कोई चुनाव नहीं है कि हम कोई चुनावी रैली संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, और ना ही चुनाव का कोई माहौल है इस भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में। हमें नहीं लगता कि ये कब ये पिच तलाश कर रहे हैं कि जिस दिन पिच फेवरेबल होगी हम उसी दिन मैच खिलाएंगे या उसी दिन बैटिंग करेंगे, तो ऐसी पिच उनको नहीं मिलने वाली है। कितने दिन हम इस हुकूमत में पिसेंगे, एलजी गवर्नमेंट में, ये ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन दूसरी ओर हम अपने लोगों की मुश्किलात को सुनने के लिए, अपने लोगों की मुश्किलात को हल करने के लिए, नौजवानों से फेस टू फेस बात करने से, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, ताकि महंगाई, भ्रष्टाचार, उन सब मुद्दों पे, इलाका नाइंसाफी पर हम बात कर सकें। और हम सब बनीवासियों से अपील करते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, मस्जिद मिलत से ऊपर उठकर उस दिन यहाँ पर आएँ, सबसे बात करें, और ताकि हम अपनी बात, हमारे जो स्थानीय लीडरशिप है वो तो करेगी ही, लेकिन हम दूसरी तरफ जो जितने भी समाज के अलग विभिन्न संगठन हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, ताकि हम एक ऐसा कोई यहाँ से लेके ही मैसेज आएँ, ताकि बनी को हम एक अच्छी पहचान के साथ उभार के जो समस्याएं उसका हल कर सकें, उनका समाधान कर सकें। और कांग्रेस जो है, हम यहाँ पे पंडित मंगतराम शर्मा जी और उसके बाद जितने भी हमारे जो दूसरे नेता है वो तो खा पी के निकल गए हैं यहाँ से, लेकिन पंडित जी का फिर भी यहाँ पे आज काफ़ी उन्होंने इस इलाके में सड़क पहुँचाई, पहली सड़क पहुँचाई। उनका नकाल इंदिरा जी का जन्मदिवस था, हम तब भी याद कर रहे थे कि कैसे उस समय यहाँ सड़क इंदिरा जी की यहाँ पे देन है, और हम फिर से वो इतिहास यहाँ पे चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे नौजवान नेता हैं, जैसे काजल राजपूत है, दर्शन जी हैं, और बाकी साथी हमारे यहाँ पे काफ़ी हैं, बुजुर्ग हमारे ठाकर दास जी, इन्होंने तो 4 दशक से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हंसराज जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, दयाराम जी बैठे हुए हैं हमारे साथ, ओबीसी के रजनीश जी हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। और हम आपको मीडिया के माध्यम से भी कहेंगे, आप भी थोड़ा निष्पक्ष होकर हमारी बात को फैलाएं, हमारा प्रचार करें, क्योंकि सारा साधन और जितना भी ये ब्यूरोक्रेसी है, इनको तो हमेशा यही रहते हैं कि किस तरह से अपने आकाओं को खुश करें, किसी तरह सरकारों को खुश करें, लेकिन आपसे हमें बहुत उम्मीद रहती है, और आप फेयर रहेंगे, हमारी बातों को आगे पहुंचाएंगे, आप इलाके की बात पहुंचाते हैं, आप इस समय आप कांग्रेस की बात पहुंचाएंगे, और हम लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आप आएंगे और उस दिन आप देखेंगे कि कांग्रेस की लीडरशिप कितनी संजीदा है बनी के बारे में, और हम बनी की हर समस्या को हल करने के लिए अपने साथियों से।